चने की थोड़े थोड़े क्वांटिटी अपने हिसाब के हिसाब से क्वांटिटी लेकर इसको चावल और दाल की अपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए अपने बच्चों के लिए। ये मेरे बच्चों के लिए हेल्थ फूड रहता है, बच्चों के लिए खास कर बनाया है, इसके सबके लिए अच्छा है, एकदम एसिडिटी से दूर रहते हैं। और आप इसके अंदर थोड़ा सा एड करें थोड़ा सा जीरा कूट कर, मोटा मोटा कूट कर डाल दीजिए, इसको एसिडिटी होने के कोई चांसेस नहीं। देखिए ये आटा भी अच्छी तरह से लग रहा है, इस तरह से छिले हुए हरे मिर्चियों को मैंने इस तरह से इसको डुबा कर इसमें तेल में डाला एकदम। देखिए कितने अच्छे से इसको, क्योंकि आप खाने में बहुत टेस्ट रखा है, देखने में भी खूबसूरत दिखता है। इसको डाल दीजिए एकदम, आप बच्चों को या कोई भी खा सकते हैं, वो छोटा सा 1 साल का बच्चा भी इसको खा सकता है, क्योंकि अजवाइन भी थोड़ा सा जीरा इसमें काट कूट कर डाली है, और थोड़ा सा काजू बादाम का पेस्ट भी साबुदाना भी डाली हेल्थ के लिए मेरे बच्चों के लिए। 7 ईयर्स बिलो के बच्चे कोई भी खा सकते हैं इसको ईजली, तो डाइजेशन भी सही होता है। क्योंकि मैं खासकर सब रेसिपीज मेरे बच्चों के लिए घर में मेरे छोटे से 7 ईयर्स पिलो बच्चे उन लोगों के हिसाब से पर रेसिपीज बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इंटरेस्ट बताते हैं खाने के लिए, बड़े खाते तो बच्चे भी देखते हैं, इसलिए तो के हिसाब से हम लोग ये रेसिपीज मैं बनाती हूँ। देखिए इस तरह से इसको अच्छा डीप फ्राई करके तरह से थोड़ी देर से स्पून को इस तरह से रख लेना चाहिए, क्योंकि 250 टिश्यू पेपर से आपको सुपोज कर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी देर रखना चाहिए इसे एकदम साथ ही निकाल दो, पर ऑयल पूरा इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ इसलिए खासकर आपको ये टिप्स बता रही। देखिए और दो आपको ये डीप फ्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट्स लगते, ज़्यादा भी नहीं एकदम, क्योंकि इसमें साबुदाना डाला है मैंने, मांस डाला है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से फूल जाते हैं। मूंगी दाल की दाल आप चाहे तो मसूर की भी डाल सकते, हर जो भी दाल है आप डाल सकते हैं बच्चों के हेल्थ के लिए, आप चाहे तो पूरे हेल्थ के लिए दाल डालने से बच्चे भी इंटरेस्ट से खाते हैं, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, गैसेस ज़्यादा नहीं बनते। सोडा थोड़ा कम क्वान्टिटी में सोडा डाल दीजिए खाने का, इस तरह से देखिए वो 1 मिनट भी नहीं हुआ, कोई स्टंट होता तो अकेले से कर लेते थे। स्टैंड है तो अपन नहीं करते, इस तरह से अपन इस तरह से इसको और आप चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा दही, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी सा पुदीना और थोड़ी सी इमली, थोड़ी हरी मिर्ची, आधी हरी मिर्ची डालकर चटनी पीस कर इसको खा सकते हैं इसके साथ भी, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसका टमाटर सॉस से भी, बच्चे शौक से खाते हैं उस तरह से भी लोग खिला सकते, बच्चे जिस तरह से खाना चाहते हैं बच्चों के हिसाब से खिलाइए, टमाटर सॉस है, केचप है, अगर दही की चटनी भी बनाकर उससे कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची डालकर। देखिए ये है मेरे आज के मिर्ची भजिया।